आज 13th ऑफ मार्च है एंड ओवर वॉलेट का ओपन बीटा टेस्टनेट यानी कि OBT सीजन 2 का अपडेट आ चुका है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो करना है ओवर वॉलेट के ऐप को ओपन करके नीचे आप लोगों को अपडेट नाउ का बटन देखने को मिलेगा। अपडेट नाउ पे क्लिक करके प्ले स्टोर के थ्रू आप लोगों के ओवर वॉलेट के ऐप को अपडेट कर लेना है। इसके बाद का टोटल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के सामने लाइव करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोगों को वॉलेट वगैरह यहाँ पे सेटअप कर लेना है एंड इसके बाद का जो भी फंड है यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अपडेट करने के बाद ऐप को आप लोगों को सिंपल से करना क्या है, ओवर वॉलेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे आप लोगों को गेट स्टार्टेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग सिंपल क्लिक करके यहाँ पे पासकोड मांगा जा रहा है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे पासकोड डाल देते हैं एंड ये मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक जो अकाउंट है उसको फेच कर लिया है। बेसिकली काफ़ी लोगों को क्या करना पड़ रहा है, सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डालना पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी डालना ही नहीं पड़ा। मेरा जो अकाउंट है उसको ऑटोमेटिक मेरे डिवाइस में इसने फेच कर लिया। बट आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बोला जाएगा या तो आप लोग साइन अप करो या फिर अकाउंट क्रिएट करो। तो सबसे पहले आप लोगों को जो करना है, आपका जो भी ईमेल आईडी से के थ्रू आप लोगों ने ओवर वॉलेट को साइन अप किया था उस ईमेल आईडी को आपको डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इसके बाद आप लोगों का जो भी पासकोड है वो प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से कंफर्म पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का रिकवरी फेस आएगा। मे बी इसको आप लोगों को सेव कर लेना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं इसके बाद का प्रोसीजर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक रिकवरी की सेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो रिकवरी की है ये आप लोगों का पासवर्ड आप लोग समझ के चल सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग पासवर्ड डालते हैं उसी तरीके का पासवर्ड आपको डालना है। यहाँ पे चार कंडीशन है इसको मेट करने, यानी कि आप लोगों को नंबरिक अल्फ़ाबेटिक कैपिटल अल्फ़ाबेट एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट प्लस एक साइम्बॉल के साथ आप लोगों को पासवर्ड एक यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। देन आप लोगों को यहाँ पे रिकवरी की डालने को कहेगा, यानी कि जो पासवर्ड आप लोगों ने डाला है वही सेम पासवर्ड आप लोगों को नीचे डालना है। देन इस तरीके का आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसको सिंपल सा आप लोगों को चेक मार्क करना है एंड आई रिमेंबर माई रिकवरी की इस पे सेट करके आप लोगों को अकाउंट जो है उसको सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है, जो ओल्ड वाला अकाउंट है, यहाँ पे मेरे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरा 0 ओवर दिखा रहा है। जो पॉइंट्स मेरे थे वही पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं एंड जितने भी फ्रेंड्स कार्ड मैंने क्लेम किया था वो मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या, यू हैव गॉट अ गिफ्ट, इस पर आप लोगों को क्लेम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे समथिंग आप लोगों को 500 ओवर टोकन्स मिलेंगे। ये जो ओवर टोकन्स है ये पार्टिसिपेशंस के लिए आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि ये टेस्ट नेट वाले टोकन है, ये मेन नेट का टोकन नहीं है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है बस 500 इतना ही भी, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये टेस्ट नेट का टोकन है, इससे हम लोगों को बाकी के टास्क आने वाले टाइम में जो भी टास्क आएंगे उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, तो सबसे पहले ये टेस्ट नेट वाले टास्क मतलब टोकन्स को हम लोगों को क्लेम कर लेना है और राइट क्लिक करेंगे एंड क्योंकि यहाँ पे सर्वर काफ़ी जाम है, या क्योंकि 5 मिलियन लोग हैं जो अपना ओवर वॉलेट वगैरह अपडेट कर रहे हैं, तो सर्वर में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है एंड यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सारे क्लेमिंग वगैरह के प्रोसेस को कंप्लीट करने में। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे एक आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा ग्रैब अ डेली ग्रांट, तो ये आप लोगों को डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। यहाँ पे भी आप लोगों को टेस्ट नेट के टोकन से मिलेंगे ओवर वॉलेट के, जो आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लेम करना है। तो इसको भी मैं सिंपल से क्लेम पे क्लिक कर लेता हूँ एंड हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे कि जब तक मेरा यहाँ पे ये वॉलेट है अपडेट नहीं हो जाता तब तक हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो तब तक हम लोग यहाँ पे बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो OBT सीज़न 2 का अपडेट आया है, ऐप के अंदर आप लोगों को जो टेस्ट नेट वाले टोकन मिलेंगे उसको आप लोग स्टेक कर सकते हैं। जो बेसिक हम लोग का बेसिक से टास्क रहने वाला है, हम लोग जो भी पॉइंट्स वगैरह फिलहाल के लिए स्टेक करते थे सीज़न 1 के टाइम पे, वो पॉइंट्स अभी हम लोगों का ये आप लोग देख सकते हैं नीचे पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल गया। ऊपर हम लोग को ओवर टोकन का ऑप्शन देखने को मिल गया। ये जो ओवर टोकन है ये पॉइंट की तरह हम लोगों को स्टेक करना पड़ेगा। तो इस ओवर पॉइंट को आप लोग स्टेक 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है पाम स्टेकिंग, दूसरा है होम स्टेकिंग। पाम स्टेकिंग का मतलब आप लोगों को सिंपल से, आप लोग जिनके पास PC वगैरह नहीं है वो लोग पाम स्टेकिंग यानी कि मोबाइल ऐप के थ्रू स्टेक करके पाम स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका रिवॉर्ड जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होने वाला है। लेकिन अगर किसी के पास होम स्टेकिंग का ऑप्शन है यानी कि PC अवेलेबल है, तो वो लोग अपने PC के अंदर नोड वगैरह रन कर सकते एंड आप लोगों को नोड के अंदर यानी कि वैलिडेटर जो भी आप लोग सिलेक्ट करेंगे या फिर बनाएंगे उसके अंदर आप लोग का एग्जैक्ट 256 टोकन आप लोगों को स्टेक करना पड़ेगा होम स्टेकिंग के केस में, अगर आप लोगों के पास PC हो तो।
सो जिनके पास पीसी नहीं है वो लोग यहाँ पे पाम स्टेकिंग कर सकते हैं। जितना भी टोकन आप लोगों को मिलेगा उसको आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे नीचे स्टेकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टेकिंग पे जाना। ये स्टेकिंग अभी तक ओपन नहीं हुआ, ये कल ओपन होगा यानी कि 18 घंटे बाद ओपन होगा। तो यहाँ पे आके आप लोग आपके पाम स्टेकिंग को कंप्लीट कर सकते हैं यानी कि ओवर वॉलेट का टोकन जो है उसको स्टेक कर सकते हैं। बाकी जिनके पास पीसी है वो लोग यहाँ से अपना 256 टोकन पीसी के वॉलेट में ट्रांसफ़र करके, यानी कि वहाँ पे कुछ अलग सा प्रोसीजर रहेगा आपका वो नोट जो है आपके अकाउंट के साथ लिंक करने का, तो वो मैं बाद में बता दूंगा। अगर मैं पहले तो मैं ये देखूंगा कंडीशन क्या है पीसी के अंदर। अगर नोट रन करने के लिए हम लोगों के पास वाईफाई का सेटअप एंड 24/7 पीसी रन करना पड़ेगा तो फिर मैं नहीं करने वाला। लेकिन अगर हम लोग जस्ट पीसी के अंदर वॉलेट वगैरह सेटअप करके हम लोग नोट रन कर पाएंगे तब जाके करूँगा। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसा रहा कि 24/7 मुझे रन करना पड़ेगा पीसी को तो फिर मैं नहीं करने वाला, मैं सिर्फ पाम स्टेकिंग में ही पार्टिसिपेट करूँगा। बाकी जिनके पास मोबाइल डिवाइस है वो लोग पाम स्टेकिंग कर लेना, तो उसका भी प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता दूंगा, मतलब टेलीग्राम के अंदर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप लोगों को बता दूंगा कि इस तरीके से पाम स्टेकिंग वगैरह करना है एंड स्टेकिंग का क्या कुछ फंडा यहाँ पे रहने वाला है। ओके तो फिलहाल आप लोगों को ऐप को अपडेट करके कुछ यही अपडेट आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। एंड बाकी जिस तरीके से आप लोग डेली बेसिस पे ओवर वॉलेट का पॉइंट्स क्लेम करते थे उसी तरीके से डेली बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे डेली ग्रांट क्लेम करना है। ये जो पॉइंट्स है ये अपना पॉइंट्स अपना पॉइंट ही रहेगा, जब इनका मिननेट आने वाला है इस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग को एयर ड्रॉप मिलेगा। एंड यहाँ पे जो ओवर टोकन हम लोग को टेस्टनेट वाले मिल रहे उसको जब आप लोग स्टेक करेंगे, चाहे वो आप पाम स्टेकिंग में करें चाहे वो होम स्टेकिंग में करें, वो डिपेंड करते हैं आप लोग कौन से स्टे मतलब किस डिवाइस के अंदर स्टेक कर रहे हैं एंड उसके बेसिस पे भी आप लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। ओके तो कुछ अपडेट यही है, तो होपफुली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद होता है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। जय हिंद।